देख रहे हो क्या है, कोई बता सकता है क्या है ये? तो गाइस सस्पेंस को करते हैं क्लियर। एक्चुअली कल जो हे गाइस, तो इस समय मैं हूँ 17 में और अभी घर जाने के लिए ढूंढ रहा हूँ ऑटो। एक्चुअली आज काम बहुत था सर के ऑफिस में, भी आपको पता ही होगा आजकल ऑफिस में टाइम लग जा रहा है, काफ़ी काम था तो और लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, यानी कि 8:15 तो हो गए हैं। अब यहाँ से ऑटो नहीं मिल रहा है, ऑटो मिल जाएगा फिर चलेंगे। तो ऑटो निकल तो रहे हैं लेकिन कोई तो होपफुली, और ये पता नहीं आज लाइट भी ख़राब हो रखी है। ये देखो ऊपर लाइट कैसे जल बुझ स्ट्रीट लाइट ऐसी कर रही है। यार जल्दी मिल जाए क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और होपफुली मिली है अनाज के लिए ऑटो, अब बैठ जाता हूँ ऑटो में अगर ले जाएगा तो। चलो चल। अरे और गाइस देखो कैसा था यार ऑटो वाला, मेरे को बुला के और खुद भग गया, मेरा पोपट करके चला गया। चलो ऑटो पकड़ते हैं यार दूसरा कोई ऑटो। ऑटो नहीं मिल रहा बॉस, ऑटो नहीं मिल रहा। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है होटल, 22 के होटल हैं ये, सनबीम होटल सनबीम है। तो गाइस ये देखो ये बस में पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 से 15 तक पूरा बस के उसमें ही लिखा हुआ है और तिरंगा भी बना रखा है पूरा। तो देखा गाइस आपने मोदी जी की स्कीम को सार्थक कर रहे हैं और हम भी इसमें भागीदार हैं। हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का मुहिम चल रखी है। इस पहुंच गया हूं मैं घर, ओह माय गॉड। और आज बन रहे हैं क्या पकौड़े, अरबी के पत्ते के बनते हैं ना पकौड़े वो बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ और टाइम देखो कितना हो गया, 8:40 होने वाले हैं। चाय वाय पिए कि ना पिए? हे गाइस तो चलो अब चाय पी लेते हैं और साथ में मैं करने लगा हूँ थोड़ी सी तैयारी, और वो तैयारी क्या है अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है पहले मैं चाय भी पी लेता हूँ साथ साथ तैयारी भी करता हूँ। और ये देखो मेरे लिए भुट्टा भी भून के, नहीं भून के नहीं, ये तो उबाला हुआ भून रखा हुआ है मेरे लिए भुट्टा। भुट्टा का तो कब खाऊंगा अब मैं, पहले चाय पी लूँ यार फिर देखूँगा उबाला हुआ। हाँ तो गाइस देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये देखो मसाला बिल्कुल रेडी है और इसमें अब क्या डलेगा पता है, इसमें डलेगा ये देख रहे हो क्या है, कोई बता सकता है क्या है ये? तो गाइस सस्पेंस को करते हैं क्लियर। एक्चुअली कल जो दूध लाए थे हम, वो दूध गया था फट, तो दूध उबाल के फाड़ दिया अच्छे से और फिर उसके बाद निकल गया उसमें से पनीर। तो ये बन रहा है पनीर की भुज्जी तो नहीं, खैर पनीर की सब्ज़ी बना रहे क्योंकि भुज्जी के हिसाब से तो मसाला नहीं है, ये सब्जी के हिसाब से है तो थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बन जाएगी। और अब मैं इसमें डाल देता हूँ ये पनीर, ये क्या पनीर देखा, तो करीबन 1.5 किलो दूध का पनीर है, 1.5 किलो तो नहीं है 1 किलो दूध का है, मतलब 2.5 थैली थी, आधी थैली कमी है तो करीबन 1.25 किलो दूध का। और ये देखो गाइस ये देखो ये वो, तो चलिए मैं इसको रेडी कर लेता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा और इसमें इसको थोड़ा मसाले के साथ भून लेते हैं बस। तो गाइस हो गए रेडी, ये देखो एंड बिल्कुल मज़ेदार। थोड़ा सा इसको ढक देता हूँ तो थोड़ा पानी जो है मसाले का अलग से निकल जाए, तो इसको थोड़ा सा ढक, ठीक है। तो ये लगाया कान और तो गाइस आ गया डिनर, और ये देखो कितना ज़बरदस्त ये बनाए हैं पुष्पा ने बनाए हैं पकौड़े। इनको और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं अब मुझे, लेकिन ये बेसन में जो अरबी के पत्ते जो हैं वो बेसन में घोल के इसका ये ऐसे उबाल के फिर ऐसे बन जाते हैं स्ट्रीम करके। और ये देखो ये पनीर की भुर्जी लोहे की कढ़ाई में मस्त, और अब करते हैं डिनर। तो होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा से कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुड नाइट।